हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और अभी हो रहे हैं सुबह के 9, कपड़े धो रहे हैं, देख नहीं रहे कपड़े धो रहे तो अभी मैं जा रही हूँ कपड़े धोने के लिए। और ये सारे वो कपड़े हैं जो आसन होते हैं ना पूजा करने के, उन्हीं को अभी मैं भिगो के आई हूँ, क्योंकि ये काफ़ी दिन के बिछे हुए हो गए थे तो यूज़ हो रहे थे, तो इनको मैंने भिगो के रख दिया कि धो दूँगी। और ये पहले के कल के धुले हुए कपड़े पड़े हैं, क्योंकि आज धूप बहुत तेज़ है तो आराम से अगर आसन वासन धुले जाएंगे तो सूख जाएंगे। देवरानी हो तो जेठानी कहाँ है आपकी? पितानी हो। हम दादी दी भी हो। अच्छा, तो बड़ी अम्मा? बड़ी अम्मा हो ना? बड़ी अम्मा हम हो। बड़ी अम्मा हो? बड़ी अम्मा शिवंशी को सभी लोग चिढ़ाते हैं कि वो हमारी बड़ी मम्मी है, इसलिए उसे ऐसे चिढ़ा रहे थे, क्योंकि लोग कहते हैं कि लोग अवतार लेके आ जाते हैं घर में, तो ऐसे ही सब लोग जो बड़े पुराने बड़े पापा वगैरह वो ऐसे ही कहते रहते हैं, तो हम लोग भी कह रहे थे, उसे चिढ़ा रहे थे, तो वो कह रही थी हाँ मैं शांति देवी हूँ। तो बस यहाँ पर ये सारे मैंने आसन धो लिए हैं और इनको धो के मैं सुखा दे रही हूँ। और जितना भी ये कपड़े धुलने का पानी निकला था मैंने फेंका नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये अयान वगैरह कभी कभी टॉयलेट कर देते हैं छत में, तो ये सारा पानी डाल के मैं छत को साथ ही साथ धो दे रही हूँ, लेकिन गर्मी और धूप बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर छप्पर के नीचे भी खाना वगैरह बनता है, तो यहाँ भी काफ़ी गंदा हो रहा है, क्योंकि मतलब खाना बनता है उससे तो गंदा है ही, और ये बच्चे भी खूब फैलाते हैं यहाँ पे, खिलौने विलौने सारा दिन यहीं फैलाते हैं, तो इसको भी मैंने ऊपर से पूरा झाड़ा है पूरे छप्पर के यहाँ पे। और उसके बाद ये चूल्हा भी अभी मैं तोड़ डाला है लोगों ने, इसको भी अगल बगल से काफ़ी इसकी मिट्टी निकल गई है, तो इसको भी मैं छाप के सही करूँगी और इसको पोत भी दूँगी, क्योंकि मम्मी हवन के लिए डेली इसी में आग जलाती हैं, तो इसको सही कर देते हैं। अगर थोड़ा सा टूट जाता है फिर वो टूटता ही चला जाता है अगर सही ना करो तो। बस अभी मैंने इसकी राख साफ़ की है और करने के बाद मिट्टी गला के रख दी है, तो उससे मैं इसको छाप दूँगी किनारे किनारे से। ट्रेन की डोरी बना दे। क्या बना दे बेटा? डोरी से चलाओगे? कहाँ पे लगाए ट्रेन की डोरी? इधर लगेगा। और बचपन में हमने चूल्हे की मिट्टी बहुत खाई है, जब ये चूल्हा जलता रहता है ना, तो अंदर अंदर इसमें पपड़ी सी निकलने लगती है मिट्टी की, जो कि जल जाती है, बहुत सौंधी लगती है खाने में। अभी की बात नहीं है, बचपन में खाते थे, लेकिन आप लोग ऐसा मत करिएगा क्योंकि मिट्टी नुकसान करती है, लेकिन हाँ आदत पड़ गई थी हम लोगों की, तो किनारे किनारे से रेड हो जाती है ना वो निकाल के खाते थे, बहुत टेस्टी लगती है। कुछ लोग जैसे चौक खाते हैं, चौक अच्छी लगती है वैसे ही। तो बस यहाँ पर हमारा चूल्हा तैयार हो गया, ये देखिए कितना अच्छे से बन गया है पूरा, तो बस ये काम हो गया। और यहाँ पर नीचे जो मिट्टी गिर गई है इसको भी मैं पोछा लगा के पूरा साफ़ कर दूँगी। और बस अयान ने अपनी ट्रेन में बंधवा ली है डोरी, सुतली बंधवा ली है, तो यहीं पे चलाएंगे खेलेंगे, जब तक मैं यहाँ पर आराम से काम भी कर लूँगी, क्योंकि साथ साथ में इसके ऊपर भी नज़र रखना पड़ता है बराबर, क्योंकि काम उतने ज़रूरी नहीं है जितना इसके ऊपर नज़र रखना ज़रूरी होती है, क्योंकि थोड़ी सी नज़र चूकी तो ये कोई ना कोई कांड कर देते हैं जब तक। तो बस यहाँ पर जो ये गाड़ी सी नीचे की मिट्टी थी उससे मैंने पूरा इसको लेस दिया है, क्योंकि ये किनारे किनारे से ही टूटा था, बैट से तोड़ा है इन लोगों ने, और उसके बाद मैं इसको पोत दूंगी। और ये वैसी जो खेतों वाली मिट्टी होती है वही है, उसी से यहाँ पे चूल्हा पोतते हैं।
और आज धूप भी बहुत तेज़ निकली है, क्योंकि मैं जितनी देर से यहाँ छत पे ऊपर काम कर रही हूँ पूरे पसीने से भीग गई हूँ, क्योंकि जब बारिश के बाद धूप निकलती है तो बहुत ख़राब लगती है वो। और यहाँ पर रोटियों के बन रहे पराठे, कल की बासी रोटी रखी हुई, क्योंकि पता है सबको बहुत अच्छी लगी ये पराठे। बासी रोटी कल की रखी थी, उसके पराठा बना रहे हैं। बासी रोटी जो रोटी बच जाती है उसके ऐसे पराठे बन जाते हैं, अच्छे भी लगते हैं खाने में, करारे करारे ना, मज़ा आ जाती है ना, दाल के साथ खाओ तो बहुत मज़ा आता है। क्या दिखाए? अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। 2:30 बजे नहीं, हम 3 बजे हैं। मैं तो अंदाजा लगा के बोल दिया करती हूँ, तो घड़ी देखती नहीं है। तीन बज रहे हैं, लाइट चली गई है, मतलब नीचे बहुत गर्मी थी तभी सब पसीना पसीना हो रहे थे, अचानक इतना अच्छा मौसम हुआ है और बहुत सारे कपड़े धुले हुए पड़े थे तो वो सब अभी उठाए हैं। ये देखिए वो नीलम, दिखी नहीं रही है आपको, कपड़े बस दिख रहे होंगे, चलते चले आ रहे हैं। देखिए इतने कपड़े थे, नीलम देखी ये पूरे कपड़े धर गए। ये देखिए तेज़ धूप और गर्मी के बाद में कितना अच्छा मौसम हुआ है, क्योंकि जब बहुत तेज़ गर्मी होती है ना उसके बाद बारिश आती ही आती है, लेकिन बारिश के साथ में बहुत तेज़ हवा आई थी ना, इस वजह से ज़्यादा बारिश हो नहीं पाई। चलो बोलो क्या बोले दोस्तों, ये दोनों हमारे जो प्यारे प्यारे हैं सब्सक्राइबर हैं, ये महोबा में ही रहती हैं, दोनों सिस्टर्स हैं जो हमसे मिलने के लिए आए हैं ढूंढते ढांढते, है ना। तो अब कुछ बोलना चाहोगे अपने वीडियो में? और क्या, तुम्हारा ही चैनल है, जो मन करे वो बोलो, क्या बोले कुछ भी बोलो। ये कौन, मम्मी है? अच्छा अच्छा, नमस्ते आंटी। अरे हाँ मिल गया था, ये जो नाम का घर है जहाँ से वही से। लेकिन मिला नहीं, बताया बताया है, बताया है। अच्छा नानी को बता दे, कहीं नानी को बता दो। क्या नाम? निर्जल। तो इनका नाम है निर्जल और शीतल। नाम बहुत यूनिक है, नाम बहुत यूनिक है। तो ये दोनों लोग महोबा से ही हैं और बहुत अच्छा लगा मिलके, क्योंकि अचानक से जब कोई मिल जाता है तो वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? हाँ मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, महोबा में रहते हैं लेकिन बाहर से कर रहे हैं, कानपुर वगैरह से। तो बस अभी बस और तो अभी इन्होंने अपनी मम्मी से भी बात की है, क्योंकि मम्मी भी ब्लॉग देखती है इनके और ये भी देखती है गुड़िया। तो बस ये लोग जा रहे हैं मिलने के बाद अब अपने घर, और ये दोनों लोग सिस्टर्स ही हैं, और जो ये छोटी वाली सिस्टर है ये थोड़ी सी बचपन से ही एबनॉर्मल है लेकिन बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रही थी। तो बस ये लोग घर जा रहे हैं, उनकी मम्मी से भी अभी वीडियो कॉल में बात हुई थी, पहली बार मिले हैं लेकिन बहुत अच्छे लग रहे थे लोग। बस देखिए लड़का कितना गंदा हो गया है, क्या क्या लेके घूम रहा है, देखिए क्या क्या लिया है इसने, क्यों लिए हो बेटा ये, क्या करोगे इससे, नहाना नहीं है? तब पूरा पसीना पसीना डूबा है लेकिन फिर भी मान नहीं रहा है, इससे जितने बार भी चीजें छीन लो जाने कहाँ से ढूंढ ढूंढ के ले आता है, मानता नहीं है। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, क्या ले लिया ये लेके बोलेंगे, अभी सुबह के आयरन ब्रश दे गया है ये लेके बोलो, अभी सुबह के 10 बजे है। और ये सारी ये गेट में जो झल्लर लगी रहती है ना वो है, यहाँ पे धुली हुई टगी थी तो ये लग रही होगी अजीब सी, कैसी लग रही है, क्या टगा है। और ये ना रात में सोने नहीं देता है बिल्कुल भी, क्योंकि इसकी खांसी बहुत ज्यादा, जब इसको रात में खांसी आती है 2-3 बजे तक खांसता ही रहता है। इसको अदरक शहद दे रही हूँ, कप का सिरप भी दे रही हूँ, लेकिन बहुत बुरी तरह खांसता है, सारा कप जब सूख जाता है ना तो बहुत खांसता है उसकी वजह से।
10-12 दिन से जब से बीमार हुआ है रात में बिल्कुल भी नहीं सोने देता। 2-3 बजे तक तो ये जगते ही जगता है, क्योंकि इसको उलझन होती है, कहीं गर्मी लगती है, कहीं कफ की वजह से खांसी आती है, कहीं कुछ इसकी वजह से ये बिल्कुल नहीं सोता है। इस वजह से मैं नहीं सो पाती हूँ, तो सर एकदम भारी रहता है, एकदम भारी भारी सा होता है सर, और सर में दर्द भी हो जाता है उसी चक्कर में। तो मैंने कहा जो छोटा सा वीडियो बना है इसको हम एंड कर दें, अच्छों से बन रहा है वीडियो, एंड भी नहीं हुआ और आगे बना भी नहीं है, मैंने कहा चलिए एंड कर देती हूँ। ये मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।